फ्रेंड, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर लोक गीत, उसके शब्दार्थ और क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, लोच लचीलापन, झांझ एक वाद्य यंत्र जो कांसे की दो तस्त्रियों से बना होता है, करताल तालियां, हे ही निर्द्वंद बिना किसी द्विधा के, मरम को छूना प्रभावित करना, आह्लाद कर प्रसन्न करने वाले, सिरजती बनाती, पुट अंश, उद्याम निरंकुश। अब क्वेश्चन देखिए, निबंध में लोक गीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, उन्हें बिंदुओं के रूप में लिखा है। ये निबंध में लोक गीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा हुई है, कौन कौन से? लोकगीत प्रिय होते हैं, लोक गीतों का महत्व होता है, लोक गीत और शास्त्रीय गीत, लोक गीतों के प्रकार, गायन शैली, राग, सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह, लोक गीतों के साथ चलने वाले नृत्य, लोक गीतों की भाषा, लोक गीतों की लोकप्रियता, लोक गीतों के प्रकार। ये क्या है, किन किन पक्षों पे इस में बात हुई है? इन सारी चीज़ों पर बात हुई है, बिना किसी बाजे की मदद के भी गाया जाने वाले लोक गीत। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ जो औरतों के खास गीत कौन से हैं? हमारे यहाँ ऐसे लोकगीत हैं जिन्हें स्त्रियों के खास गीत कहा जाता है। ऐसे गीत में त्योहार पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते रास्ते के गीत, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, मटकोड़ जोनार के गीत, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली, जन्म आदि के गीत स्त्रियों के गीत हैं। इसके अतिरिक्त कजरी, गुजरात का गरबा और वज्र का रसिया भी स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। कौन कौन से हैं? देखो, त्योहारों पे भी गीत गाती हैं, जब वो नदियों में नहा जाने जाती हैं तो भी गीत गाती हैं, रास्ते में भी गीत गाते हैं, शादी के समय भी गीत गाती हैं, और मटकोड़ के टाइम भी, जोनार के संबंधी और रिश्तेदारों के लिए प्यार भरी गाली भी, जन्म आदि के समय भी औरतें गीत गाती हैं। इसके अलावा कजरी, गुजरात का गरबा, ब्रज का रसिया, ये सारे औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत।